महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार कितना भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन सिद्धार्थनगर पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। शौरतगढ़ थाना क्षेत्र के खैरा गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का गांव के युवक रंगीला पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने बताया कि वह अपने खेत में घास काटने गई थी, जहां घात लगाए बैठे आरोपी युवक ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसी तरह लड़की ने अपने घर पहुंचकर आपबीती परिजनों को बताई तो परिजनों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। आरोप है कि पुलिस ने दुष्कर्म की जगह छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिजन आज इंसाफ की उम्मीद लेकर पुलिस कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की मांग करने लगे। मामला मीडिया में उजागर होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तत्काल पुलिस के आला अधिकारी छेड़खाने के मुकदमे को दुष्कर्म में कन्वर्ट करने की बात कहने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सिद्धार्थनगर पुलिस महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर कब गंभीर होगी। हमारे पीछे हम ना देख पाए ना हमारे पीछे से गए पकड़ ली ना और बाद में हमारे गहूम पटक दी ना जब चिल्ला लगे तो हमारे मुंह पकड़ ली और बाद में हमारे साथ गलत काम करी तो बाद में जब बाद में हमने हल्ला करें तो सब जुटे तो सब कहीं की जब जुट गए तो कहीं की कागज थे सब देखी तो कहीं अब जाओ खरे तो हमें घरे घास बांध के आए तो आज मैंने भाग गए तुरंत तो हर आए तो सब कहीं की आए तो सब बताए लगे पूछे लगे तो हम अपने घर सबसे बताए नहीं फुल बात। सूरतगढ़ में कल एक SC ST का मुकदमा लिखा गया है, उसमें 354 SC ST की धाराएं पंजीकृत हैं और जहां तक आपकी रेप की बात है उसकी अगर उसमें पुष्टि होगी तो धाराओं में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास तो अगर परिवार आता तो मैं निस्संदेह देखता, अगर ऐसी बात है तो वो धाराएं कन्वर्ट होंगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।